उधर जयपुर से खबर, जहां पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठे हैं। सिविल लाइंस फाटक पर किसानों के साथ धरना दे रहे हैं। बाजरे की एमएसपी पर खरीद की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। ऊंट गाड़ियों में बाजरे की बोरियां लेकर पहुंचे किसान हाथों में तख्तियां लेकर विरोध कर रहे हैं। ये बड़ी खबर और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठे हुए हैं सिविल लाइंस फाटक पर। 900 से 1100 रुपए में किसान अपने बाजरे को बेचने के लिए मजबूर है। 1000 रुपए से 1200 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान किसान को हो रहा है। राजस्थान की सरकार अपनी जेब से 1 करोड़ किसानों को देगी नहीं, सारा पैसा भारत सरकार देगी बाजरा खरीद का, फिर भी क्रय केंद्र सरकार नहीं खोल रही। हम मांग करने के लिए आए बाजरे के क्रय केंद्र खोले जाए बड़े पैमाने पर, जिससे किसान एमएसपी पर अपना बाजरा बेच सके, उसकी लूट बंद हो सके। बिचौलिए ठग रहे हैं, वो ठगी बंद हो जाए। इसलिए बाजरा लेके मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर बैठे, मुख्यमंत्री जी सुने, और किसान रवि की बुआई करेगा, गेहूं का बीज चाहिए, सरसों का बीज चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, कहां से खरीदेगा। इसलिए ये दस्तक देने के लिए मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर बैठे हैं। शशिमोहन जी, मीडिया संवाददाता जुड़ रहे हैं खबर पर जानकारी के साथ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त यहां पर दिखा रहे हैं। शशि, क्या कुछ मांग कर रहे हैं किरोड़ी लाल? देखिए, सबसे बड़ी मांग तो बाजरे की फसल की एमएसपी पर खरीद की मांग है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने इस एमएसपी को बढ़ा भी दिया है और राज्य सरकार की को इसके लिए अधिकृत किया जाता है, सरकार खरीद केंद्र खोलती है। लेकिन अभी खरीद केंद्र पूरी तरीके से नहीं खुल पाए हैं। किसानों का ये दर्द है कि अगर किसानों को एमएसपी पर फसल नहीं खरीदी जा सकेगी तो उसका उचित मूल्य कई बार नहीं मिल पाता है, और अगर उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा, आप इसको अगर व्यापारिक नजरिए से समझें तो किसी को उसके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न नहीं मिल पाएगा, तो वो आगे ना तो अपनी आजीविका सही तरीके से चला पाएगा, ना अपना परिवार सही तरीके से चलाएगा, और ना ही किसान अपनी खेती को सही तरीके से कर सकेगा। भविष्य में किसान को रबी की बुआई करनी है, इसके लिए खाद चाहिए, बीज चाहिए, तो इन सब चीजों में किसान को परेशानी आ सकती है, और इन मुद्दों को लेकर किरोड़ी लाल मीणा सिमनाई फाटक पर किसानों के साथ पहुंचे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि अब की बार किरोड़ी लाल के साथ में संख्या बल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जनता से सीधे तौर पर जुड़ने वाले मुद्दे किरोड़ी लाल मीणा उठाते रहे हैं, उसको देख करके लगता है कि किरोड़ी अभी भी और भीड़ जुटा सकते हैं, और अगर सरकार ने किरोड़ी की बात नहीं सुनी जल्दी तो किरोड़ी लाल मीणा यहाँ डेरा भी डाल सकते हैं, इस बात की भी तस्वीर मिल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया शशि हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये विरोध प्रदर्शन जो है ये आगे भी बड़ा रूप ले सकता है अगर यहाँ पर किस तरीके से समन्वय नहीं बनता है। फिलहाल विरोध प्रदर्शन जो है वो किरोड़ी लाल मीणा तमाम किसानों के साथ यहाँ पर बैठे कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर धरना डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो है वो किसानों के साथ यहाँ पर देने के लिए पहुँचे।